पपोरा जी की परंपरा रही है 30-35 साल से, तो हम ही लोग सब देखते रहे हैं और शायद जाने कितने सालों से, कि मेले के दिन पपोरा कमेटी अपना साल भर का हिसाब किताब संक्षेप में पेश करती है। हमारे क्षेत्र का एक साल का आयव्यय पत्रक हस्त रोकड़ खाते और कंप्यूटर पर ऑडिटर के माध्यम से पास होता है प्रबंधकारिणी समिति में, 51 लोगों की कार्यकारिणी में और 21 लोगों की ट्रस्ट में। इस क्षेत्र की महासमिति में 486 महासमिति के मेंबर हैं, उन सभी के बीच उसको पेश किया जाता है। ऐसी परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है। चूंकि समय टैक्स, इनकम टैक्स और दुनिया भर की बातों को आदर्श समाजों की वजह से अब उनको पांडाल में सार्वजनिक रूप से पढ़ना बंद कर दिया गया है, उसको कार्यालय में चस्पा हम लोग करते हैं। समाज में से किसी भी व्यक्ति को या माताओं बहनों को उसको देखना हो वो कार्यालय में देख सकते हैं, बड़े ही सम्मान से उन्हें दिखाया जाएगा। वो अगले 15 रोज तक वो क्षेत्र का हिसाब किताब कार्यालय में रहेगा, तो मेरा कहना है कि उसको आप देख सकते हैं। अभी 5-7 दिनों के अंदर हमारी टीकमगढ़ की जैन समाज में से कुछ लोग, कुछ महिलाएं या उन लोगों के द्वारा उपसाई गई महिलाएं इस 109 मंदिर के क्षेत्र पर, 50-55 एकड़ के क्षेत्र पर ऐसी घृणित बातें, आरोप गांधी चौराहे पे कोतवाली और एसडीएम और कलेक्टर सब कुछ। मेरा एक निवेदन है, मैं बहुत लंबी बात नहीं कर पाऊंगा, आचार्य मुनि श्री के प्रवचन हमें सबको सुनना है। मैं समाज के बीच में इस क्षेत्र के मंत्री होने के नाते बहुत संक्षिप्त में विचार आपको करना है। ये क्षेत्र या कोई संस्था जैन समाज की किसी के बाप की बापोदी नहीं है। 45 साल में हमारे बाप की बापोदी भी नहीं हुई। प्रतिष्ठाचारी का बेटा प्रतिष्ठाचारी बन सकता है, मंत्री का बेटा मंत्री नहीं बन सकता क्या? क्या पिता के संस्कारों को अगर उनकी औलाद लेती है तो क्या वो पाप है? ये मुनिश्री से मेरे प्रश्न है। अगर एक कमेटी एक क्षेत्र की ईमानदारी, कर्मठता से और निष्ठा से और समय देकर अगर भैया वृत्ति करती है तो क्या ये जैन धर्म में पाप है? मैं ये पूछना चाहता हूं। अगर मुझे समय है इस क्षेत्र को देने का तो क्या मुझे नहीं देना चाहिए? क्या ये पूरी सहयोगी कमेटी साथ देती है तो उसे साथ नहीं देना चाहिए? क्या इसकी प्रबंधक कमेटी नहीं होना चाहिए? क्या ये क्षेत्र समाज का है? प्रबंध कमेटी अदर कास्ट की है क्या? वो भी इसी समाज की है। अगर इस क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था, मंदिरों के जीर्णोद्धार, यात्रियों की रुकने की व्यवस्था, साधु संतों के साधना के लिए उनको यहाँ निवेदन करती है, श्रीफल चढ़ाती है, तो क्या पाप करती है? 1.5 साल से माता जी का संग साधना रथ है क्षेत्र पर, आज तक ऐसी कोई बात नहीं हुई। 6/12/2020 को, इसी साल 19 नहीं 20 को द्वितीय चतुर्मास के पिछली प्रतिवर्तन समारोह में ऐसा आशीर्वाद कर्मचारियों को भी मिला, इस कमेटी को भी मिला। मन वचन काय से ऐसी आर क्या माने इस कमेटी से क्षमा की भावना व्यक्त की और कमेटी ने खड़े होके कहा, माता जी नहीं, व्यवस्थाओं में गलती कमेटी की ही होगी, कर्मचारी क्यों ही होगी, हम लोगों को क्षमा करो। वो विरूपी है, मैं कोई मनगढ़ंत बात नहीं कर रहा हूं। पिछले 45 वर्षों से श्री कोमलचंद जी सुनवाहा
क्षेत्र पे कब्जा किए हुए हैं। अब उनके पुत्र ने निकल लिया, भैया हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम एक क्षेत्र का कब्जा कर पाए, 109 मंदिरों का भगवान आशीर्वाद भी दे तब भी कब्जा नहीं कर सकते, भैया विनती कर सकते हैं जो हम लोग कर रहे हैं वो करते रहेंगे। मैं भी तो ये चाहता हूँ कि मेरा बच्चा भी यहाँ पदाधिकारी बनकर इस क्षेत्र की सेवा करे, ऐसी मेरी भावना है। बेईमानी के लिए नहीं, हर इंसान के पुत्रों ने कुछ कमाया, फैक्ट्री लगाई, जमीनें ली, मकान बनाए, लेकिन कोमल चंद के पुत्रों ने अगर कमाया तो पपोरा से कमाया। मैं पूरी समाज को, इस भारत देश की जैन समाज को, एक नंबर मंदिर के सामने, आदिनाथ भगवान के सामने, ये पूरी समाज और वो लोग अगर एक रुपए की बेईमानी पीछे के समय में या हमारे समय में निकाल देंगे, आपको कहना नहीं पड़ेगा। इस्तीफा ये पद इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इन भगवान की सेवा करने का जो आनंद हमें आ रहा है उसकी आप कल्पना भी नहीं कर पाओगे। हम 25% अपना काम धंधा करते हैं, 75% इस क्षेत्र का काम करते हैं। मुझे दुख है, पुरुष वर्ग तो पिछले 20 सालों से इस क्षेत्र पर अनर्गल आरोप लगातार चला आ रहा है। पहले चुनावों के टाइम पे लगाता था, अब तो बीच चुनाव में ही लगा दिया। अभी मंत्री बने मुझे मात्र 2 साल हुए हैं, अभी 40-50 तो हुए ही नहीं। मेरी भावना 40-50 साल के लिए है, लेकिन इस माध्यम से नहीं। पपोरा की चुनाव होते हैं 5 वर्ष में, जब चुनाव होते हैं सारी प्रक्रिया एसडीएम के आदेश अनुसार होती है, वीडियो पूरी प्रक्रिया का दिन भर का बनता है। ये समाज ने भी देखा होगा, इन मेंबरों ने भी देखा होगा, उस क्षेत्र के विरोधियों ने भी देखा होगा, क्योंकि वो चुनाव में हर बार खड़े भी होते हैं। अगर हमारे ही वोटर हैं, हमारे ही रिश्तेदार हैं अगर, तो मैं मात्र 7 वोट से चुनाव जीता, जबकि हमारे और सहयोगी लोग 45 वोटों से चुनाव जीते, तो भैया मेरे रिश्तेदारों ने मुझे वोट नहीं दिया। लेकिन विरोधी के एक उपाध्यक्ष पद पर लड़ने वाले राजीव बर्धवान को भी वोट दिया। भैया 2003 में 5 पदाधिकारी विरोधी दल के जीते और 5 हमारे दल के जीते। 2010 में 5-7 हमारे जीते, 3 विरोधी दल के जीते। 2018 में 9 हमारे जीते, 1 विरोधी दल का जीता। तो भैया ये तो अपना अपना पुण्य है, उस पुण्य की वजह से अगर हम लोग जीत जाते हैं तो आपका लगातार आरोप कि हमारे वोटर हैं, हमारे वोटर हैं, हमारे वोटर हैं, आखिर ये कब तक लगाओगे? आप 4 बार लगा चुके, पहले एसडीएम में आवेदन दे चुके, डीजे कोर्ट, कलेक्ट्रेट, हाई कोर्ट, दुनिया भर के प्रशासन में आप इस क्षेत्र को खींच के ले जा चुके हो, और हर बार ये क्षेत्र कमेटी उन प्रशासन के अधिकारियों से जीत कर आई है जिसका फैसला हर बार इस क्षेत्र पर है। लेकिन अब की बार आपने लड़ाई कुछ अलग ढंग से लड़ी, कुछ 40-50 अपने घर परिवारों की महिलाओं को आपने गांधी चौराहे पे बिठा दिया। भैया नगर पालिका के चुनाव आ रहे हैं 2-3 महीने में, हर समाज चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे वो मुसलमान हो एकजुट होना चाहती है, कम से कम चुनावों के लिए, कि उनके उम्मीदवार को अगर पार्टी टिकट दे तो वो चेयरमैन बन सके नगर पालिका। ऐसे ही बहुमूल्य समाज, अधिक समाज इस टीकमगढ़ में जैन समाज की है, वो भी अगर ये सोचती है कि एक उम्मीदवारी हो पूरी समाज मिलकर उसको जिताए, तो निश्चित ही श्रीमती शिखा भदौरा जैसी एक चेयरमैन इस समाज की बन सकती है। लेकिन किसकी राजनीति है ये? 8-10 लोगों ने ये समाज का सपना तोड़ दिया, गांधी चौराहे पे महिलाओं को बिठा के इस समाज को 2 भागों में बांट दिया। मेरा निवेदन है उन लोगों से, भैया विनय सुनवा से अपने स्तर पर लड़ लेना, इस क्षेत्र को बार बार कई बार झूठे अनर्गल आरोप लगा के बदनाम मत करो। यह किसी विनय सुनवा का नहीं है और ना कभी रहेगा।
कार्यकर्ता बन के काम करो, भैयावर्ती करो क्षेत्र की। यहाँ का अतिशय जो है आपको इतने आशीर्वाद देगा कि होटलों, मॉल और रिसोर्ट और जाने क्या क्या अपने आप आ जाएगा, चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा ये निवेदन है समाज से, कोई भी प्रश्न आपके हो इस पपोरा क्षेत्र की पावन भूमि पर आके इस कमेटी से निश्चित पूछो, सम्मान से आपको जवाब देंगे। टीकमगढ़ की सड़कों पे सातों जातों के बीच में जाके प्रश्न मत करो, किसी मंदिर का नहीं। कहीं 20 साल से हिसाब नहीं होते, कहीं 20 साल से चुनाव नहीं होते, लेकिन इस क्षेत्र की परंपरा हर वर्ष हिसाब देने की है और हर 5 वर्ष में चुनाव कराने की है। जब तक मेरी इच्छा है मैं चुनाव लड़ूंगा, भगवान आदिनाथ का आशीर्वाद है तो मैं जीतूंगा, सीधा सा एक मेरा जवाब है। और मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और भगवान के चरणों में नमोस्तु करता हूँ। और